सनातन धर्म में पितृपक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष के महीने में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष एक तरह से पितरों को सम्मान देने का तरीका होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष प्रत्येक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ शुरू होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त हो जाता है। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से होगी और वही इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। इस अवधि के दौरान पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाएगा। तर्पण का अर्थ होता है जल देना और पिंडदान का अर्थ होता है भोजन देना। अर्थात इस अवधि में हम अपने पितरों को यानी पूर्वजों को जल और भोजन देते हैं। जैसे कि पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार का तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा। दोस्तों, हम अपने पितरों को किस प्रकार से जल दें और जल देते समय हमें क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल हमें कितने समय देना चाहिए? साथ ही कौन कौन पितरों को जल दे सकता है? इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण 6 प्रकार का होता है, जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। पितरों को जल देते समय ध्यानपूर्वक कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता या पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हूँ। जल देते समय अपने गोत्र का नाम लें और इसी के साथ गोत्र अस्मित पितामह वसुपत तृप्यमिदं तिलोदकं गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जलते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि तिल और कुशा का क्या महत्व है। दोस्तों, कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितर आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके संकटों को दूर करते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पितरों को जल देने की विधि क्या है। दोस्तों, नदी में स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली या तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ इत्यादि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलें। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कें, अर्थात पवित्र हुएं। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री यानी कि अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर के संकल्प लें। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध और गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूरब की ओर मुख करके बैठें और जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण करें। इस प्रकार ऋषियों को तर्पण दें।
अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके यानी कि माला जैसा पहन करके एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल को गिराकर देवी मनुष्य को तर्पण दे। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल का अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाए। थाली में काली तिल छोड़े फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले, गोत्र अस्मत् पितामह वसुरूपत त्रप्यत्मिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी तीन बार जल दे। इस प्रकार तीन पीढ़ियों का नाम लेकर के जल दे। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दे। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दे। धूप के बाद 5 भोग निकालें जो पंचबली कहलाती हैं। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दे। इस कर्म से आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? दोस्तों, पितरों को जल देने का समय प्रातः 11:30 से 12:30 बजे के बीच का होता है। पितरों को जल चढ़ाते समय हमेशा कांसे का लोटा या तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। अब प्रश्न उठता है, पितरों को पानी कौन दे सकता है? दोस्तों, पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग शामिल माने जाते हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने के लिए और उसका विकास करने में सहयोग किया है। घर का मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि पितरों को जल हम कैसे दें, कितने बजे दें और पितरों को जल कौन कौन दे सकता है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।